स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ये बुक आपके पास होनी चाहिए। प्रीवियस 41 इयर्स की मैथमेटिक्स की बुक है। ऑथर इनके हैं अमित एम अग्रवाल। ठीक है, आप ये बुक अमेजोन से आराम से परचेज कर सकते हो। 260 रुपीज़ की मिल जाएगी आपको ये। दूसरी बात, मैंने आपको इसमें से होमवर्क दिया था सॉल्व करने को, और मैक्सिमम क्वेश्चंस वी हैव ऑलरेडी डन इन द क्लास, सो फ्यू क्वेश्चंस आर नॉट डन देयर। उसमें से आप अपने होमवर्क बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, 9 और 29 में होमवर्क में डाउट्स है स्टूडेंट्स को। 3, 9 और 29, अपार्ट फ्रॉम दैट टेल मी कौन कौन से क्वेश्चन में डाउट्स है। बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में किए, बहुत सारे क्वेश्चन हमने क्लास में किए। ये सब ये दोनों क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में किए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3, 9, 29, 7। बाकी लोगों को कोई कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट है द वैल्यू ऑफ दिस। ओके, विल सी। 5 में डाउट है। ठीक है, गुड। 2, 3, 5, 7, 9, 29। और सिक्स में डाउट है। ठीक है, चलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 अपन ने क्लास में किया है। ट्रस्ट मी अपन ने क्लास में किया है। 6th, किसी स्टूडेंट को याद है कि अपन ने क्वेश्चन नंबर 6 क्लास में किया है? दैट इज अ कोसाइन सीरीज। सॉरी, आपकी आवाज ब्रेक हो गई, एक बार और बोली। मैं बोल रही हूँ, हाँ मुझे याद है। हाँ हाँ, तो अपन ने वो किया है, सच में किया है, तो अदरवाइज मैं नहीं बोलता। बहुत इजी क्वेश्चन है एंड आई हैव डन दैट इन क्लास, बट ठीक है, अगर लगा मुझे कि करना है तो अपन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 2, 3, 5, 6, 7, 9, 29। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते, द वैल्यू ऑफ दिस थिंग। ये 2009 में आ चुका क्वेश्चन है। यही मेन का क्वेश्चन है। ओके, इसी में आपको एडवांस के क्वेश्चन भी मिलते रहेंगे, तो यही मेन का क्वेश्चन है ये। जस्ट अ मिनट। कुछ बच्चे काफी लेट ज्वाइन कर रहे हैं लेक्चर। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉस ऑफ 10 डिग्री, कॉस ऑफ 50 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री। हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर कॉस ए कॉस बी लगा सकते हैं ना, 2 cos a cos b, एक ये तरीका है। ठीक है, किसी का अगर आंसर आया तो आप मुझे अपना सॉल्यूशन भी बता सकते हो, दैट वे वी कैन डिस्कस। लेकिन अभी मैं डायरेक्टली इसको स्टार्ट करता हूं। कॉस स्क्वायर ऑफ 10 डिग्री। सर, आई वॉज डिस्कनेक्टेड। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं। कॉस ऑफ 10 डिग्री, कॉस ऑफ 50 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ 50 डिग्री। ठीक है, देखो इधर क्या करेंगे अपन। देखिए, यहां पर मैं अगर 2 cos a cos b लगाता हूं, 2 यहां पर है नहीं, बट अपन 2 जबरदस्ती दे देंगे। ठीक है, विल जबरदस्ती मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। तो उससे क्या फायदा होगा, उससे ये फायदा होगा कि यहां पे cos a cos b का फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है। 2 cos a cos b, एनी स्टूडेंट इन दिस क्लास जो मुझे बताना चाहेगा। SACS CC, साइन कॉस कॉस साइन कॉस कॉस, थर्ड वाला कौन सा होता था? कॉस प्लस कॉस वाला होता था ना। मैं सारी ट्रिक बता चुका हूँ आपको यार, बहुत मेहनत करी अपन ने इस चीज में। अब ऐसा मत करना कि फॉर्मूले ही याद नहीं हो रहे। सर कम ऑन, SLONE पूरा सॉल्व किया तो आपके फॉर्मूले कहीं नहीं जा रहे। SLONE नहीं किया तो आपको फॉर्मूले कभी याद ही नहीं हो सकते, हो ही नहीं सकते।
कितना ही अब मॉड्यूल कर लो, कितना ही पीवाईक्यूज कर लो, पहले एसएलओ नहीं करोगे तभी फॉर्मूले याद होने वाले। ठीक है, तो एसएलओ नहीं इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फॉर्मूला रटिंग। फॉर्मूला रट जाएगा तो कर लोगे। वैसे तो मैंने इसका ट्रिक बताया था, टू कॉस इक्वल्स बी। ओके, किसी को लगता है कि ये चीज उसको याद नहीं है तो मेरे को बताइए। तो यहाँ पर टू की कमी है तो क्यों ना मैं यहाँ पे टू मल्टीप्लाई कर दू और डिवाइड कर दू। टू मल्टीप्लाई किया और टू डिवाइड किया, तो देखो एक गट फीलिंग भी होती है हमको। यहाँ पे क्या आएगा, एक एंगल, एक एंगल हमको मिलेगा 60 डिग्री, 10 और 50 का सम, और एक एंगल मिलेगा 40 डिग्री, है ना। तो 60 डिग्री तो सुंदर होता है, उसका अपन वैल्यू रख देंगे हाफ, और 40 डिग्री का अपन देखेंगे क्या कर सकते हैं। देखो कॉस स्क्वायर ऑफ 10 डिग्री माइनस, टू कॉस कॉस भी लिखा है ऊपर, उसको अपन लिख देते हैं कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो कॉस ऑफ 60 डिग्री इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी, मतलब कॉस ऑफ 40 डिग्री, और बाय टू करेंगे बिल्कुल, क्योंकि एक टू तो नीचे रह जाएगा ना, ये कंज्यूम थोड़ी हो रहा है। और कॉस स्क्वायर 50 डिग्री, इज दैट ओके। कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है, हाफ, हाफ इंटू हाफ कितना हो जाएगा, 1/4। अब देखो यहाँ पर आपको 3/4, 3/4, 3/2 टाइप का कुछ कुछ तो नजर आ रहा है, तो मे बी देर इज अ चांस कि अपन जो कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन। ठीक है, मेरे को लग ही रहा था। चलिए ठीक है, तो व्हाट वी विल डू, कॉस स्क्वायर। अब देखो क्वेश्चन में ना बेटे यहां पर 20 डिग्री भी लिखा हुआ है, तो ये 20 डिग्री जो लिखा हुआ है क्यों ना हम इसका भी कुछ ध्यान रखें, क्या पता 20 डिग्री क्रिएट करने में कुछ फायदा हो रहा होगा। कॉस स्क्वायर ऑफ 10 डिग्री माइनस 1/4 टाइम्स कॉस ऑफ 40 डिग्री प्लस कॉस ऑफ कॉस स्क्वायर ऑफ 50 डिग्री। बताइए इसके बाद क्या लगता है आपको, क्या करना चाहिए। अगर किसी का आंसर भी आया तो भी आप बता सकते हो। एनीवन, देखो यहां से हमारे पास है ना दो ही ऑप्शन बचते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि कॉस स्क्वायर ऑफ 50 डिग्री को मैं लिख दूंगा 60 माइनस 10, स्क्वायर स्क्वायर में तो ऐसा नहीं कर पाएंगे अपन। दूसरा तरीका ये कर सकते हैं हम लोग कि शायद अपन ने जो पहला स्टेप किया है हो सकता है उसमें गलती हो, ये भी हो सकता है ना। तो दोनों चीजें अपने को ध्यान में रखनी है। सुहानी एंटर्ड द वेटिंग रूम, ओके। बहुत सारे बच्चे अब, हाँ बोलो। कॉस 60 प्लस कॉस 40 डिग्री सर, द सेकेंड स्टेप में सर, टू कॉस थीटा, टू कॉस ए कॉस बी इक्वल्स कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी ना, तो वहां कॉस 60 प्लस कॉस 40 ऐसा आएगा। अच्छा, मैंने मल्टीप्लाइड कर दिया है, वही मैं सोचूं कि एकदम क्लूलेस क्यों लग रहा है। कॉस 60 डिग्री आएगा और कॉस 40 डिग्री आएगा। अच्छा एक मिनट रुक जाओ ना, एक मिनट। तो टू है हाफ, हाफ बाहर रहेगा, कॉस ऑफ 60 डिग्री विच इज 1/2 और कॉस ऑफ 40 डिग्री, वैसे तो माइनस 40 आएगा लेकिन कॉस के अंदर फर्क नहीं पड़ता है। फिर कॉस स्क्वायर ऑफ 45, सॉरी कॉस स्क्वायर ऑफ 50 डिग्री आ जाएगा। अभी ठीक है ना, अब अपन इसका वैल्यू रख देंगे हाफ, और इसका वैल्यू हो जाएगा कॉस ऑफ 40 डिग्री, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ऑफ 50 डिग्री। ठीक है, तो इधर से एक 1/4 क्रिएट होने वाला है हमारा, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर ऑफ 10 डिग्री माइनस 1/4, फिर माइनस कॉस ऑफ 40 डिग्री, कॉस ऑफ 40 डिग्री, प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ 50 डिग्री। ठीक है, तो एक काम हम लोग ये कर सकते हैं कि कॉस स्क्वायर को हम लोग डबल एंगल में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, और इसको भी डबल एंगल में कन्वर्ट कर दें,
और फिर कॉस सी माइनस कॉस डी लगा दे, है ना। समझ में आ रहा है आपको डबल एंगल में कन्वर्ट करने का मतलब क्या होता है? क्योंकि यह हिंट कहाँ से आ रहा है मेरे को, यहाँ पे 20 डिग्री नजर आ रहा है ना ऑप्शन में, तो 20 डिग्री क्रिएट करने के लिए ये 10 डिग्री को हमें डबल करना पड़ेगा। ओके, तो व्हाट वी विल डू कि कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा, क्या आपको ये फॉर्मूला याद है? टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या होता है? कॉस ऑफ टू थीटा। कभी भी आपको कॉस स्क्वायर के फॉर्म में दिखे और उसको डबल एंगल में ले जाना, तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो। तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा कॉस ऑफ टू थीटा प्लस वन बाय टू, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर 10 डिग्री को क्या लिख सकते हैं अपन? कॉस ऑफ टू थीटा मतलब कॉस ऑफ 20 डिग्री प्लस वन बाय टू, ये 1/4 को दूर रहने दो, माइनस ऑफ कॉस ऑफ 40 डिग्री है ना। एक्चुअली कॉस ऑफ 40 डिग्री अपॉन टू आएगा, कॉस ऑफ 40 डिग्री अपॉन टू आएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा सेम फॉर्मूला लगाएंगे, सेम फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, क्यों ना अपन इसको डबल एंगल में लिखते। तो कॉस ऑफ टू थीटा प्लस वन बाय टू, और लास्ट में क्या लिखा? माइनस वन बाय फोर। अभी देखो सारे टर्म में से हाफ 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 कॉमन आ रहा है, सब में से डिनोमिनेटर में से टू 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 कॉमन आ जाएगा, तो वो अपन कॉमन निकालेंगे। फिर उसके बाद आपके पास अब स्क्वायर में कुछ नहीं बचेगा, सारे ये जो स्क्वायर वाले टर्म थे ना, अब वो लीनियर में कन्वर्ट हो गए और डबल एंगल आ गया है, कोई बात नहीं। एक 20 डिग्री क्रिएट हुआ है जो अपने को ऑप्शन में नजर आ रहा था, तो आपका डायरेक्शन जो है वो सही है। हाफ आप बाहर ले लो, हाफ बाहर ले लोगे तो क्या बचेगा? बचेगा अपने पास कॉस 20 डिग्री प्लस वन माइनस कॉस 40 डिग्री बाय टू, बाय टू तो बाहर है, प्लस कॉस 100 डिग्री प्लस वन, और यहां से बचेगा माइनस हाफ। ये चेक कर लो आप, तो देखो यहां पे क्या हो रहा है, वन और वन कितना हो जाएगा? टू, ठीक है ना। और टू माइनस हाफ कितना हो जाएगा? 1.5। अरे टू माइनस 0.5 कितना हो जाएगा? 1.5। 1.5 को अपन अंग्रेजी में 3/2 लिख सकते हैं, तो हम लोग इसको लिख देंगे 3/2। तो 1/2 कॉस 20 डिग्री माइनस कॉस 40 डिग्री प्लस कॉस 100 डिग्री और प्लस 3/2 आ जाएगा। यहां तक समझ में आ रहा है तो बताइए। अब मैं कॉस सी माइनस कॉस डी या कॉस सी प्लस कॉस डी लगा सकता हूं, लेकिन फायदा कहां पर होगा वो देखेंगे अपन। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप ही लोग मेरे को बताइए, यहां पे अपने को कॉस 20 चाहिए, ध्यान रखना है ना। तो फायदा किधर होगा अपने को? अगर मैं इन दोनों में कॉस सी माइनस कॉस डी लगाता हूं तो क्या होता है? कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई टू होता है। तो सी प्लस डी कितना आ जाएगा? 20 प्लस 40 कितना आ जाएगा? 30। साइन ऑफ 20 प्लस 30 30 डिग्री आ जाएगा, और 20 माइनस 40 आ जाएगा 40 डिग्री बाय टू, बाय टू करेंगे तो 10 डिग्री आ जाएगा, है ना। और एक तरीका ये हो सकता है कि मैं इन दोनों में कॉस सी प्लस डी लगाऊंगा, उस केस में क्या आ जाएगा बेटा? 140 डिग्री आएगा सम, डिवाइडेड बाय टू 70 डिग्री डज नॉट मेक एनी सेंस, और दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा? 60 अपॉन टू, 60 अपॉन टू को अपन लिख सकते हैं 30 डिग्री। हाँ, तो ये थोड़ा सेंसिबल रहेगा, तो किसी में भी लगा दो, 70 डिग्री आएगा उसको अपन बाद में टैकल कर सकते हैं। तो आप अगर इन दोनों में लगाना चाहते हैं इन दोनों में लगा दो, आप अगर इन दोनों में लगाना चाहते हो तो इन दोनों में लगा दो। अगर आप फर्स्ट और लास्ट वाले में कॉस सी माइनस कॉस डी या कॉस सी प्लस कॉस डी इन दोनों में लगाना चाहते हो तो भी देखो क्या आएगा ना, एंगल का सम कितना आएगा? 120 डिग्री बाय टू करोगे तो 60, विच इज गुड, खूबसूरत एंगल है। और एक और करोगे 20 माइनस 100, 80, 80 बाय टू कितना आ जाएगा? 40 डिग्री, बिल्कुल, यहाँ पे एक 40 प्रेजेंट है, क्या पता काटापिटी हो जाए, है ना। कॉस सी प्लस कॉस डी होता क्या है? कॉस सी प्लस कॉस डी में आता है साइंस, कॉस कॉस आता है ना, तो बिल्कुल काटापिटी हो जाएगी। आप फर्स्ट और लास्ट में लगाते हो तो और मजा आ जाएगा, ऐसा मुझे फील होता है। तो मैं फर्स्ट और लास्ट में लगा के देखता हूँ, अगर आपको अपने को लगता है कि अपन फंस गए तो वी कैन ऑलवेज कम बैक एंड सॉल्व अगेन, तो लेकिन नहीं फंसेंगे ना, देयर इज अ गुड चांस कि नहीं फंसेंगे। देखो कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस 20 प्लस कॉस 100,
तो कोई भी मुझे फॉर्मूला बताना चाहेगा कॉस सी प्लस कॉस डी का? टू, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। यस, कॉस सी प्लस डी बाई टू और कॉस सी माइनस डी बाई टू। आपको बस कॉस कॉस याद रखना है, अंदर की बात तो सबको याद है। तो क्या करेंगे, कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई टू खटाखट ऐड करेंगे। 20 प्लस 100 कितना, 120। 120 बाई टू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। बहुत बढ़िया। और कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई टू, तो 20 माइनस 100 कितना हो जाएगा, -80। -80 अपॉन टू कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। अब -40 लिखो या +40 लिखो, कॉस को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो कॉस सी माइनस कॉस डी टू कॉस 60। देख लो यहां तक आपको कोई दिक्कत हो तो बताइए मुझे। मेरे ख्याल से यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पे -cos 40 अपने पास पहले से, काटे पिटी नहीं होगी बट कॉमन वॉमन आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहां से cos 40 कॉमन ले लेंगे। लेकिन यार आंसर में ना cos 20 दिया हुआ है, तो देखते हैं आंसर में क्या दिया हुआ है। cos 20 डिग्री ना, थोड़ा सा फ्यूचर देखते हैं ना, बिना लिखे फ्यूचर देखो। cos 40 कॉमन लिया, cos 40 कॉमन लिया, बाहर गया cos 40, अंदर क्या बचा, ये चीज क्या लिखी, ये वन है। मन की आंखों से देखो, दिस इज वन। ओ हो तो गया, अरे हो गया खत्म। हाफ, 2 इंटू cos 60 कितना होता है, हाफ। 2 इंटू हाफ कितना हो जाएगा, वन। अरे वन हो जाएगा ना, ओके। 1 इंटू cos 40 कितना हो जाएगा, cos 40। और cos 40 माइनस cos 40 कितना हो जाएगा, 0। और बाहर क्या बचा है, 3/2। डिश क्या 3/2 × 1/2 विल बी 3/4। आंसर शुड बी 3/4। ठीक है, तो देखो हर स्टेप में चांस होता है कि अपने से हो सकता है कि गलत हो जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए, लेकिन आपको थोड़ा सा फ्यूचर देखना आना चाहिए और अपनी गट फीलिंग को फॉलो करो। जैसे मैं 20 बनाना चाह रहा था बार बार, क्योंकि ऑप्शन में आपको हिंट दिया उसने क्लियरली कि 20 आएगा, आ सकता है आंसर में 20। दूसरी बात ये थी कि मैंने फ्यूचर देख लिया था कि एंगल्स का सम क्या आएगा, 60 डिग्री और 40 डिग्री। तो मुझे अच्छा लगा कि यहाँ पे 40 ऑलरेडी है, एक और 40 बना लेते हैं, जल्दी आंसर आया अपना उस हिसाब से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर टू टू था ना ये। आज मैं आपको फिर से छोड़ दे रहा हूं, अगर किसी बच्चे ने होमवर्क नहीं करा है तो मैं फिर से आप लोगों को छोड़ दे रहा हूं। मैंने आप लोगों के जो टेस्ट पेपर थे वो इसीलिए चेक नहीं करे, क्योंकि अपना जो ट्रिग्नोमेट्री था वो जस्ट प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको दिया था। जो आपके टेस्ट हुए थे ना बीच में, दैट वॉज जस्ट फॉर प्रैक्टिस टू कीप यू एंगेज। उस समय अपना ट्रिग्नोमेट्री हार्डली चालू हुआ था, बहुत सारे बच्चों ने तो कुछ किया ही नहीं उसमें, क्योंकि वो सब नए एडमिशन थे। तो समझ रहा हूँ मैं कि चलो ठीक है, आपको मैंने इस बार छोड़ दिया। और पहली बार में तो वैसे भी अपना कुछ हुआ नहीं था, लेकिन अभी आपका जो मॉक टेस्ट होगा ना उसमें कोई नहीं छोड़ेगा आपको। तो जो कोचिंग का टेस्ट होने वाला है बहुत जल्दी होगा, उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना है ना। 2, 3, 5, 6, 7, 18th भी कह रहा है एक बच्चा। 2, 3, 3 थर्ड क्वेश्चन देखते पहले अपन। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा है, इफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल आर इन एपी एंड द ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल ऑफ द स्मॉलेस्ट, गुड, देन द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ दिस ट्रायंगल। ओ हो, इसके लिए थोड़ा सा अपने को सोचना पड़ेगा। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ तो बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं हुआ तो अपने को इसमें साइन रूल लगाना पड़ेगा, और साइन रूल अभी अपन नहीं लगा सकते क्योंकि अपन ने सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल चैप्टर नहीं पढ़ा है। क्या नहीं पढ़ा अपन ने, सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल चैप्टर, जिसको अपन SOT भी बोलते हैं, SOT चैप्टर। तो ये बेसिकली SOT चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें अपने को साइन रूल लगाना पड़ेगा, SOT चैप्टर का क्वेश्चन है ये। तो वी कैन वेट इस क्वेश्चन के लिए, थोड़ा सा अपन वेट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री अभी आप फिलहाल छोड़ दो, आसान क्वेश्चन है बट मे बी इट विल नीड सम टाइम। तो जब अपन SOT कर लेंगे तब अपने से एक क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव में दिया, अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, लेट एफ ऑफ के, सॉरी एफ के ऑफ एक्स, ये दिया हुआ है आपको 1/k साइन की पावर में के एक्स प्लस कॉस की पावर में के एक्स।
ओके इक्वल्स टू 1, 2 एंड 3, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, देन फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर द वैल्यू ऑफ एफ फोर ऑफ एक्स माइनस एफ सिक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू ठीक है ये वाला क्वेश्चन है. मैं इस बार कॉपी क्यों नहीं करा मेरे को नहीं पता. चलिए देखते हैं. अब ये वाले क्वेश्चन में क्या करना है, हमें एफ ऑफ के दिया हुआ है, एफ फोर ऑफ एक्स और एफ सिक्स ऑफ एक्स. कोई बात नहीं, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एफ फोर ऑफ एक्स निकालेंगे. देखो ये क्या करना है आपको, यहाँ पे दुनिया में जहां जहां के है वहां वहां आपको चार डालना है, एफ फोर आ जाएगा तो फोर डाल देंगे अपन यहाँ पे 1/4, और साइन की पावर में क्या आ जाएगा, फोर साइन की पावर में 4x प्लस कॉस की पावर में 4x, और यहाँ पे अपन क्या कर देंगे 6 डाल देंगे. सबका ध्यान सामने होना चाहिए, कोई इधर उधर की बातें नहीं सोचेगा, यहाँ पे 6 डाल दो तो एफ फोर की जगह सॉरी एफ फोर माइनस एक्स सिक्स आ जाएगा अपने पास. मैं डायरेक्टली लिख दूँ पक्का, तो एफ फोर एक्स माइनस एफ सिक्स एक्स, तो माइनस ऑफ एफ सिक्स डालना है तो के की जगह आप 6 डाल दो, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन की पावर में 6x प्लस कॉस की पावर में 6x. इज दैट ओके? हाँ भाई, आपको इसका वैल्यू निकालना है. अब पावर में 4 और पावर में 6, जब हम लोग क्लास 10th में थे ना तो आरडी शर्मा में ऐसे क्वेश्चन आया करते थे. अब ये सिर्फ कुछ ही बच्चे जान पाएंगे जिन्होंने आर डी शर्मा एक्चुअल में ईमानदारी से सॉल्व करी होगी, कि साइन की हायर पावर, साइन की पावर 8 भी आया था लास्ट ईयर के आर डी शर्मा में. तो इसीलिए मैं आपको लास्ट ईयर मार मार के आर डी शर्मा भी करवाता था. उससे क्या फायदा होता है ना, कि आप हायर पावर से डील करना सीख जाओगे. देखो साइन की पावर 4 और साइन की कॉस की पावर 4 लिखा है, तो क्यों ना मैं इसको ऐसा लिख दूं, साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर. ठीक है, ये एफ फोर एक्स हो गया और माइनस 1/6. साइन की पावर 6 को कैसा लिख देंगे अपन, साइन स्क्वायर का क्यूब, साइन स्क्वायर एक्स का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का क्यूब. तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देख लो इधर प्लीज, सामने देखो हर कोई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को वी कैन राइट एज ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, ये कॉमन सेंस की बात है. ए क्यूब प्लस बी क्यूब को क्या लिखते हैं वो मैं आपसे पूछूंगा, है ना, रेडी रहना. तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर. अबे आगे देखो सब कोई, हाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब ए क्या है साइन स्क्वायर, बी क्या है कॉस स्क्वायर और उनका सम का होल स्क्वायर. तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिखूंगा मैं. अच्छा बताइए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, वन होता है, वन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वन आ जाएगा. तो यहाँ पर तो वन आ जाएगा माइनस 2ab, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स. ठीक है, यहां तक लिखो, आगे बढ़ते हैं. ए क्यूब प्लस बी क्यूब को क्या लिख सकते हैं अपन, बताइए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है. हिंट देता हूं मैं, ए प्लस बी इंटू, चलो एक और हिंट देता हूं, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना, खत्म हो गया फॉर्मूला. देखो ए प्लस बी मतलब ये ए है साइन स्क्वायर और बी क्या है कॉस स्क्वायर, तो ए प्लस बी मतलब क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, वन आ जाएगा. तो ये तो मैं लिखूंगा ही नहीं, आई विल डायरेक्टली राइट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी. तो ए स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर का स्क्वायर कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा साइन स्क्वायर का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर माइनस ए बी मतलब साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स.
ठीक है, ये देख लो अच्छे से, किसी को समझ में नहीं आ रहा तो मुझसे ही पूछ लो। भाई अब सुनो मेरी बात इधर ध्यान से, ये जो अंडरलाइन वाली चीज है साइन स्क्वायर का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, ये तो देखी देखी चीज है। अरे अभी अभी इसको ही तो लिखा मैंने, क्या ये दोनों रेड अंडरलाइन सेम ही तो है? तो क्या मैं इसकी जगह 1 - 2 sin² x cos² x नहीं लिख सकता? वाई नॉट? ओरल स्टेप, मेंटली आपको ये चीज लिखना, मेंटली। अगर आप मेंटली नहीं कर पा रहे हो तो वी हैव डन इट हियर, बट आपको ये मेंटली करना है। ओके तो 1/4 इंटू 1 - 2 sin² x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1/6। हाँ जी, इसको अपन लिख देंगे 1 - 2 sin² x cos² x माइनस एक और sin² x cos² x। अब देखो यार, -2 मसाला -1 मसाला, टोटली क्या हो जाएगा -3 मसाला। मसाला मतलब sin² x cos² x, इसको मसाला बोल रहा हूँ। -2 मसाला -1 मसाला विल बी -3 मसाला। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे -3 मसाला लिखने वाला हूँ, खेल खत्म। बताइए यहां तक सबको क्लियर है? क्या अपना आंसर आने वाला है? क्या आप बात कर रहे हो सर, बिल्कुल आंसर आने वाला है। f4x - f6x का वैल्यू ये आ गया है, बट अभी भी वी आर नॉट येट डन। 1/4 × 1 will be 1/4 -1/4 × 2 times इतना आ जाएगा ½ sin² x cos² x। ठीक है, और ये हो जाएगा -1/6, माइनस माइनस प्लस। अब बताइए 1/6 × 3 कितना हो जाएगा? अगेन हाफ, तो आ जाएगा ½ sin² x cos² x। आप मेरे को एक बात बताओ बच्चों, कि अगर मैं ये क्वेश्चन आपको 10th क्लास में देता तो आप नहीं कर लेते? 10th क्लास के बच्चा भी कर लेते हैं क्वेश्चन, जिसने आरडी शर्मा सॉल्व करी है। ठीक है, तो 1/4 - 1/6 ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो इसका एलसीएम आ जाएगा कितना, 12 ले लेते हैं, और ऊपर आ जाएगा 4 * 3 = 12, 6 * 2 = 12, मतलब 1/12, 1/12। 1/12 शुड बी द फाइनल आंसर। कितने बच्चों का आया था ये आंसर, खुद से आ गया था? माइन, ओके। नाइस, गुड। लिख लो पहले सॉल्यूशन, लिख लो उसका, है ना? ये था क्वेश्चन, मैंने एक्चुअल में क्वेश्चन को कॉपी कर लेना था, बट पता नहीं क्यों नहीं किया, मैंने इसको कंप्लीटली यहाँ पे लिख दिया। सो आई विल डायरेक्टली कॉपी इट अगेन, आई होप इट्स फाइन। हाँ इज इट ओके? अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5। 5 में क्या है भाई? अच्छा 6, 6 अपन ने क्लास में किया है, वी कैन लीव इट, एक्चुअली वी हैव डन इट इन क्लास। इफ यू वांट आई कैन सॉल्व इट, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, क्या थोड़ा टाइम वेस्ट होगा बस। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन एक बार और देख लो। मैं आपको हिंट देता हूँ कि करना क्या होता है ऐसे क्वेश्चन में, हो सकता है आप नए एडमिशन हो और आपको ये चीज नहीं पता। तो फॉर न्यू एडमिशन गाइस, दिस इज द क्वेश्चन। ओके, देखिएगा द वैल्यू ऑफ कॉस π/2² π/2³ π/2⁴। देखो एंगल क्या हो रहा है ना, एंगल हाफ होते जा रहा है। ये वाला एंगल जो है इसका आधा है नेक्स्ट एंगल, क्योंकि π/2² में, π/2² एंगल जो है इसमें फिर से हाफ करेंगे तब जाके π/2³ आएगा, फिर से हाफ करेंगे तो π/2⁴ आएगा। एंगल हाफ होते जा रहा है, तो आपको क्या करना है इसमें, रिवर्स ऑर्डर में आपको क्या करना है, रिवर्स ऑर्डर में इसको सोचना है।
ठीक है। मैंने जब आपको क्लास में कराया था तब मैंने आपको क्या बताया था कि आप सबसे छोटे एंगल पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो। क्या मल्टीप्लाई डिवाइड करना है देखते हैं। ये लास्ट में जो साइन ऑफ कुछ कुछ लिखा है इसको छोड़ दो, ठीक है। और यहां से लेकर यहां तक मैं इसको उल्टा लिख दे रहा हूं, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन में तो उल्टा करो सीधा करो एक ही बात है ना। तो पाई बाय टू टू द पावर टेन, टू टू द पावर टेन। अच्छा एक बात बताओ, पाई बाय टू टू द पावर टेन जो आ रहा है इंटू कॉज ऑफ, एक्चुअली आई एम थिंकिंग समथिंग। मैं इसका फॉर्मूला याद कर रहा था। आपको फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, बताता हूँ। अरे बता रहा हूँ, रुक जाओ। लास्ट में कह रहा कॉस ऑफ पाई बाय टू स्क्वायर, और ये साइन का जो टर्म है ना इसको आप दूर रहने दो, इसका अभी फिलहाल कोई काम नहीं है, अपन इसको यूज करेंगे। टू टू द पावर टेन, यार इसका कोई फॉर्मूला होता था, कॉस थीटा टू थीटा कॉस थ्री थीटा। कोई भी बच्चा अगर मुझे फॉर्मूला बताएगा मुझे बहुत खुशी होगी। कॉस थीटा कॉस टू थीटा कॉस टू स्क्वेयर थीटा, ये सब मल्टीप्लाइड में कॉस टू क्यूब थीटा कॉस टू की पावर में एन थीटा। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो भी हमारे पास तरीका है। क्या करते थे अपन, स्मॉलेस्ट एंगल के साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो ये साइन कॉस जो है इसका स्मॉलेस्ट एंगल क्या आएगा, साइन ऑफ पाई बाय टू की पावर में टेन। इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसी से डिवाइड करेंगे, साइन ऑफ पाई बाय टू की पावर में टेन, इसी से डिवाइड करेंगे। और टू भी दे देंगे इधर, ताकि टू साइन थीटा कॉस थीटा, ये क्या बन जाएगा साइन टू थीटा। तो ये चीज बन जाएगी। अच्छा इसका फॉर्मूला फॉर्मूला ये होता था, साइन ऑफ टू की पावर में एन थीटा अपॉन ये टू की पावर एन यहां पे आता था और यहां पे आ जाएगा साइन ऑफ थीटा। आया सबको याद, आई होप आ गया होगा, है ना। देखो ये टू साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, साइन टू थीटा। साइन टू थीटा मतलब पाई बाय टू की पावर टेन का डबल, मतलब पाई बाय टू की पावर नाइन। तो साइन ऑफ पाई बाय टू की पावर नाइन आ जाएगा। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, कॉस ऑफ टू की पावर में नाइन। तो कॉस ऑफ टू की पावर में पाई बाय टू की पावर में नाइन, कॉस ऑफ पाई बाय टू की पावर में एट और कॉस ऑफ पाई बाय टू की पावर में टू तक जा रहा है क्या, एक सेकेंड होल्ड ऑन, है ना। हाँ टू स्क्वायर तक जा रहा है, ठीक है बढ़िया है। और लास्ट में क्या लिखा है, साइन ऑफ पाई बाय टू रेज टू द पावर टेन। गुड। और नीचे क्या लिखा है, टू टाइम्स साइन ऑफ पाई बाय टू की पावर में टेन। अब ये तो कट जाएगा, वैसे आप देखोगे तो ये दिस और दिस दिस आर गोइंग टू कैंसिल, उसकी टेंशन नहीं है मुझे। लेकिन अब आप सोचो अगली बार अपन क्या करेंगे, फॉर्मूला याद नहीं है ना, इधर टू देंगे और इधर एक और टू लेंगे, तो यहां पर क्या आ जाएगा, टू साइन थीटा कॉस थीटा, फिर वो बन जाएगा साइन टू की पावर एट, फिर एक और टू देंगे। तो सुनो मेरी बात ध्यान से सुनना। सबसे पहले अपन ने क्या करा, हम लोगों ने टू की पावर टेन को कंज्यूम करने के लिए एक टू मल्टीप्लाई डिवाइड करा, फिर टू की पावर नाइन को कंज्यूम करने के लिए एक टू मल्टीप्लाई डिवाइड करा। टू की पावर टेन को कंज्यूम करा पहले अपन ने, उसके लिए एक टू नीचे, फिर टू की पावर नाइन के लिए एक टू। तो जितनी टू की पावर अवेलेबल है उतने टू अपने को नीचे डिवाइड करने पड़ेंगे, ऐसा आप डायरेक्टली सोच लो। ये तो सब कंज्यूम होकर डायरेक्टली आपका वन हो जाएगा। नीचे क्या बचेगा, टू की पावर्स, तो कितनी टू की पावर आएगी बस वही आपका आंसर है ना। तो देखो टू की पावर टेन, नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू, नॉट वन नॉट वन। तो टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू कितने नंबर हो गए, टू से लेकर टेन तक कितने नंबर हो गए, एक मिनट है ना। टेन को कंज्यूम करेंगे अपन और मिला के, है ना, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, नाइन नंबर हो गए ना। अरे यार टू से लेकर टेन तक बोथ इंक्लूडेड देयर आर टोटल नाइन नंबर, तो नौ बार अपने को टू से डिवाइड करना पड़ेगा। आप चाहो तो करके देख लो, एक एक बार करके देख लो। इन दोनों को करेंगे तो फिर से साइन टू थीटा आ जाएगा, साइन ऑफ
ये बन जाएगा साइन ऑफ पाई बाय टू की पावर में एट। फिर इसके लिए एक और टू की जरूरत पड़ेगी, तो एक टू ऊपर एक टू नीचे, फिर ये चीज बन जाएगी टू साइन थीटा कॉस थीटा, फिर इसके लिए एक टू की जरूरत पड़ेगी। उस तरह से अपन सॉल्व करेंगे तो टोटली व्हाट यू विल गेट, टोटल नीचे मिलेगा आपको 1/2 की पावर में 9। ये तो कैंसिल हो गया, ये तो कैंसिल हो गया, ये सारे कंज्यूम हो जाएंगे और इसका आंसर आ जाएगा 1/5 1/12। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो यू हैव नो एक्सक्यूज टू लीव दिस क्वेश्चन। मैंने आपको तरीका बताया सॉल्व करने का, वर्किंग रूल मैंने आपको बताया। इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला, इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला बहुत अच्छी बात है। आप डायरेक्टली यहाँ पर 2 की पावर में n थीटा लगाएंगे, है ना, और यहाँ पर 2 की पावर में n लगाएंगे तो 2 की पावर 9 आ जाएगा। n कितना होता है, जितने टोटल टर्म्स हो अपने पास। टोटल टर्म्स कितने अपने पास, टोटल टर्म्स है 2 से लेकर 10 तक। 2 से लेकर 10 तक कितने नंबर हो जाते बेटे, 9। तो टोटल वी हैव 9 टर्म्स, वी हैव 9 टर्म्स। तो साइन ऑफ 2 की पावर में 9, थीटा कितना है, व्हाट इज थीटा, ये पहला वाला थीटा होता है ना, पाई बाय टू स्क्वायर। टू की पावर में नाइन और पाई बाय सबसे छोटा वाला, सॉरी पहला वाला ये है ना, सबसे छोटा वाला ये हो जाएगा 2 की पावर 9 × π/2 की पावर में 10, सबसे छोटा वाला, और नीचे आ जाएगा 2 की पावर में 9, और इधर नीचे लिखा रहेगा साइन ऑफ थीटा। थीटा मतलब फिर से ये वाला एंगल थीटा है, पाई बाय 2 to the power 10। इज इट ओके, ठीक है ना। इसमें साइन ऑफ ये तो मल्टीप्लाइड है, इसको मत भूल जाओ, साइन ऑफ पाई बाय 2 की पावर 10 भी मल्टीप्लाइड। लेकिन फॉर्मूले में आपको बताऊं सच में याद नहीं रहते, लोग भूल जाते। दिस इज योर फाइनल आंसर, जो कि हो जाएगा साइन ऑफ पाई बाय 2 upon 2 की पावर में 9, विच इज 1/5 1/2। ऐसे भी लिख लो, ऐसे भी लिख लो, मैंने आपको दोनों तरीके समझा दिया, क्लास में भी करा चुका हूँ इक्वेशन में, ठीक है। बट फॉर्मूले पे रिलाई मत करो, मेरी अगर गोल्डन एडवाइस मानोगे आप तो डो नॉट रिलाई ऑन फॉर्मूला, अप्लाई ऑन दिमाग, रिलाई ऑन दिमाग। दिमाग तो कभी खत्म नहीं होने वाला ना, फॉर्मूला भले ही भूल जाओगे। आगे बढ़ते, 6 हो गया, 7 9 18, 7th पे आ जाओ, 7th पे ठीक क्वेश्चन है, आसान है लेकिन हो जाएगा, हो जाना चाहिए था। आपको ये फील हो गया होगा ना कि ये वाले क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है अपने मॉड्यूल से आसान है। किसी बच्चे ने अगर मॉड्यूल सॉल्व किया होगा ना तो मॉड्यूल में हालत खराब हो गई होगी, मॉड्यूल के क्वेश्चन एकदम आप ऊपर से नीचे तक हिल नहीं पाएंगे अपने से, इतने मुश्किल क्वेश्चन है मॉड्यूल में। लेकिन ये वाले क्वेश्चन अपने से इजीली हो जाएंगे, तो यही अपना टारगेट होता है। मतलब आपको आईआईटी का पेपर ना हम आसान फील कराते हैं, इसलिए मॉड्यूल थोड़ा सा मुश्किल रखते हैं, ताकि आपको लगे कि नहीं यार ये सच में बहुत आसान है, अपने मॉड्यूल से आसान है। तो आप अपनी कोचिंग का मॉड्यूल करते हो आप, तो आप वैसे भी एक कदम आगे ही रहोगे। और वैसे भी चलो दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ जेई मेन, हमारे मॉड्यूल जो है वो जेई एडवांस के बेसिस पर है, तो एक वो भी एक थिंकिंग पॉइंट है। हाँ भाई, तो आई विल डायरेक्टली कम टू द क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग टाइम। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा अपनी स्क्रीन पर, फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा। अब देखो थीटा क्या है, 45 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है थीटा, है ना, 45 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में थीटा पाया जाता है। अब आपको इसका वैल्यू निकालना है और यहां पर दिया हुआ है। मैं फिर से आपको बताना चाह रहा हूं कि 10th क्लास का बच्चा ये क्वेश्चन सॉल्व कर देगा, आई गारंटी। अगर वो ना कर पाए तो मेरा नाम बदल देना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आरडी शर्मा में हुआ करते थे। कुछ थोड़ी है भाई, आपको यहां पर 3 sin theta - cos theta, sin theta - cos theta की पावर में 4 +6 times sin theta + cos theta का स्क्वायर, और यहां पे +4 times sin की पावर 6 थीटा लिखा हुआ है। अभी ना शांति से देखिएगा जो मैं कर रहा हूं, पावर 4 है, क्या करो, खोल दो इसको, पक्का दो बार खोलना पड़ेगा ना साइन थी। अरे यार कैसी बात कर रहे हो, यहाँ पे पावर 4 है मतलब स्क्वायर का स्क्वायर, तो दो बार खोलना पड़ेगा, मतलब डबल मेहनत है यहाँ पे। बिल्कुल करेंगे अपन, पहली बार खोलोगे तो देखो क्या आएगा, फटाफट देखेंगे
साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस टू साइन कॉस, तो देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो वन हो जाएगा, माइनस टू साइन कॉस हो जाएगा, माइनस टू साइन थीटा कॉस थीटा, नहीं आया समझ में? और फिर उसका भी स्क्वायर। अच्छा टू साइन थीटा कॉस थीटा को क्यों ना मैं साइन टू थीटा लिख दू, है ना, अपन गधे थोड़ी है जो इतना टाइम वेस्ट करेंगे, सॉरी साइन टू थीटा इसका होल स्क्वायर प्लस सिक्स टाइम्स, इसको खोल दो जल्दी से, यहाँ क्या लिखा है साइन थीटा कॉस थीटा का सम, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा मतलब वन प्लस साइन टू थीटा, डायरेक्टली लिखने का भाई, टाइम वेस्ट नहीं करने का। और यहाँ पे लिखा पावर में सिक्स, अब ये पावर में सिक्स जो है ना, इसको मैं हमेशा आपको बोलते आ रहा हूँ, क्लास टेंथ से बोलते आ रहा हूँ कि जब भी आपको पावर सिक्स दिखे या पावर एट दिखे या पावर फोर दिखे, हमेशा उसको आप क्या करो साइन स्क्वायर का कुछ लिख दो। जैसे यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप उसको, साइन स्क्वायर का क्यूब, ये मत लिख देना कि साइन क्यूब का स्क्वायर, ना 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 ना, डोंट राइट इट इन दिस वे, साइन क्यूब का स्क्वायर मत लिख देना, हमेशा स्क्वायर अंदर रहना चाहिए, उससे अपना फायदा होता है। अभी फायदा क्या होगा वो अपन देखते हैं, इसको खोल दो भाई, इसको खोल दोगे तो क्या आ जाएगा, ओके वन ए स्क्वायर प्लस साइन थीटा टू थीटा है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस सिक्स प्लस सिक्स साइन टू थीटा प्लस, इसका अपन क्या करें ना, मेरे को कुछ खास समझ में नहीं आ रहा, ऑनेस्टली मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ऑप्शन देखते, ऑप्शन में कोई भी पावर सिक्स में नहीं दिया हुआ है, पावर फोर इज द हाईएस्ट बेटे, क्या कह रहा हूं मैं फिर से देखो, पावर सिक्स ओ यहाँ दिया हुआ है, कॉस की पावर में सिक्स दिया हुआ है, और यहाँ पे पावर फोर हाईएस्ट है वो भी कॉस का पावर है, तो क्या आपको इतना समझ में आ गया है, क्या आपको इतना समझ में आ गया कि पावर सिक्स आएगा भी तो कॉस का आएगा, तो मैं इसको कॉस में कन्वर्ट करना चाहूंगा क्योंकि यहाँ पे साइन में पावर सिक्स नहीं दिया हुआ है, अल्टीमेटली कॉस में कन्वर्ट करना पड़ सकता है, तो मेरे को यहाँ पे एकदम स्ट्रांग फीलिंग आ रही है ऑप्शन देखकर कि हम लोग इसको कॉस में कन्वर्ट करेंगे, वन माइनस कॉस की पावर में टू लिख देंगे ना, साइन स्क्वायर थीटा को वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया, उसका क्यूब है, क्यों ना ये क्यूब में खोल दू ए माइनस बी का होल क्यूब, अगर आप वेट करोगे तो मैं कुछ सोच रहा हूं। आई थिंक यहां तक सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको खोल लेते, देखो ये थ्री को अंदर बुलाओ, थ्री को अंदर बुलाओगे थ्री टू वन थ्री आ जाएगा, थ्री टू वन थ्री प्लस थ्री टाइम साइन स्क्वायर थीटा और माइनस सिक्स टाइम साइन टू थीटा, इज दैट ओके, बराबर, कोई दिक्कत किसी को, साइन सिक्स टू थीटा साइन टू थीटा इंटू सिक्स, सिक्स टाइम साइन टू थीटा सिक्स टाइम साइन टू थीटा कैंसिल हो गया, बहुत बढ़िया, ये थ्री और ये सिक्स ये मिलकर नाइन हो जाएंगे, ठीक, थ्री साइन स्क्वायर टू थीटा ये तो कंज्यूम हो चुका है, प्लस फोर टाइम्स ए माइनस बी का होल क्यूब, ओके यशस्वी मुझे बताइए ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस थ्री ए बी, थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ठीक है सही, तो देखिए ए क्यूब मतलब क्या हो जाएगा वन क्यूब है ना, यहाँ पे वन क्यूब लिख देंगे अपन, माइनस बी क्यूब, मेरी हैबिट है मैं थोड़ा सा बी क्यूब पहले लिख देता हूँ, बट ये करेक्ट ऑर्डर, दिस इज एक्चुअली ए वेरी गुड ऑर्डर, तो थ्री ए स्क्वायर बी के पहले मैं बी क्यूब लिख रहा हूँ, तो कॉस की पावर में सिक्स आ जाएगा, अब देखो मेरे को एकदम शक हो गया कि कॉस की पावर में सिक्स वाला ऑप्शन सही हो सकता है, आई हैव अ वेरी स्ट्रांग फीलिंग कि ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है, अगर मैं एग्जाम दे रहा हूँ और एग्जाम में मात्र 15 सेकंड बचे, मात्र 15 सेकंड बचे और मैं फंस चुका हूँ और मैं तुक्का मारना चाह रहा हूँ, तो पहली बात तो आई वॉन्ट एडवाइस कि आप तुक्का मारो, लेकिन अगर आपको स्ट्रांग फीलिंग आ रही है और लग रहा है कि ऑप्शन डी बहुत, अब देखो ना स्ट्रांग एविडेंस है अपने पास, कॉस की पावर सिक्स आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है अपने पास, और कैंसिल हो गई नहीं, यहाँ पे कोई किसी की औकात नहीं कि कॉस की पावर सिक्स को कैंसिल कर दे, तो कॉस की पावर सिक्स ऑप्शन में होना चाहिए और ऑप्शन डी में ही है, मान लो एग्जाम में लास्ट के कुछ सेकंड बचे और मेरे को लग रहा है कि यार अब सॉल्व तो कर नहीं सकता हूँ, लेकिन ऑप्शन डी में बड़ा स्ट्रांग फीलिंग है, आई हैव अ
90% ऑफ चांस कि करेक्ट हो जाएगा मेरा आंसर, है ना? तुक्का नहीं है ये तो बहुत कैलकुलेटेड रिस्क है, स्ट्रांगली कैलकुलेटेड रिस्क। बट मैं आपको कभी नहीं बोलूंगा कि आपके पास टाइम है तो ऐसा तुक्का मारो, ठीक है? और तुक्का मारना नहीं कहते अपन इसको, इसको अपन कहते हैं ये तो सॉल्विंग हो गया ना, लॉजिक ही हो गया एक तरीके से। कॉस की पावर सिक्स कटेगा ही नहीं यहाँ पे, कहाँ से काटे, काट के बता दो, नहीं कटने वाला। चलो कोई नहीं, फिर भी अपन ये चीज अवॉइड करेंगे। ऑप्शन डी मेरे को पता नहीं यहाँ पे कि सही है या गलत है, तो अपन पूरा सॉल्व करते हैं। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर भी, मतलब थ्री इंटू ए स्क्वायर मतलब क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर मतलब आ जाएगा वन, और बी मतलब क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर, तो प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, तो थ्री इंटू ए मतलब वन और बी मतलब कॉस की पावर में फोर, ये आएगा। यहां तक चेक करूं, थ्री टाइम्स साइन स्क्वायर टू थीटा प्लस फोर इंटू वन फोर माइनस फोर टाइम्स कॉस की पावर सिक्स। देखो एकदम वही चीज आ रही है यार जो ऑप्शन नंबर डी में। फॉर्चुनेटली कॉस की पावर सिक्स और कहीं दिया नहीं, और मैंने यहीं पे राइट डायरेक्शन पकड़ लिया था यहीं पे, क्योंकि मेरे को कॉस की पावर सिक्स लाना था या कॉस में टर्न कन्वर्ट करना था। तो अभी भी मेरी फीलिंग बहुत स्ट्रांग है कि ऑप्शन डी ही करेक्ट आंसर होगा, ठीक है? चार थी अब बारह कॉस की पावर फोर थीटा। मैं आपको तुक्के मारने से एकदम मना कर रहा हूँ ना, तुक्के मारोगे तो बर्बाद हो जाओगे। ये तो लॉजिक हो गया भाई, है ना, ये दिमाग लगाना होता है, ये कोई तुक्का मारना नहीं हो। नौ और चार तेरह, तो तेरह लिख दो इस तरफ, प्लस थ्री टाइम्स साइन स्क्वायर टू थीटा, ये चार कंज्यूम हो चुका है, माइनस फोर टाइम्स कॉस की पावर सिक्स। ऑप्शन नंबर डी में मेरे को तेरह भी नजर आया था, सब में ऑप्शन, अच्छा सब में तेरह है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। माइनस ट्वेल्व कॉस स्क्वायर थीटा यार, ये दोनों टर्म में से कुछ कॉमन ले लेते, 12 कॉमन आ जाएगा, माइनस भी कॉमन ले लिया, चलो कॉस स्क्वायर भी कॉमन ले लिया, तो इधर क्या बचा, इधर 1 बचा, और इधर क्या बचा, 1 तो जा चुका है कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 12 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। कुछ फायदा, यस बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल फायदा हो रहा है, काटा पिटी होने वाली है अभी, और आपका आंसर एक लाइन में आने वाला है। जो बच्चा थोड़ा सा भी विजन रखता है वो देख पाएगा कि आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद मैं सॉल्व ही नहीं करूंगा, ओरली अगर अपन करेंगे तो ये वाली चीज और ये वाली चीज कैंसिल होने वाली, बचेगा अपने पास ये और ये, ऑप्शन नंबर डी खत्म। लेकिन ये कैंसिल कैसे होगा, यहाँ पर देखे क्या लिखा है, 12, अच्छा 12 के अंदर एक चार छुपा होता है ना, फोर मतलब टू स्क्वायर, और एक थ्री होता है। तो ये वाली जो चीज है जिसको मैंने बॉक्स बनाया है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताइए, कोई भी बच्चा, एनीवन, बहुत मार पड़ेगी, जल्दी से बताओ। अबे क्या लिखा, थ्री साइन थीटा कॉस थीटा, टू साइन थीटा कॉस थीटा का स्क्वायर है, ये क्या होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा, व्हाट इज दिस, साइन टू थीटा, साइन टू थीटा, और इसका अगर मैंने स्क्वायर लगा दिया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, साइन टू थीटा का स्क्वायर, साइन स्क्वायर टू थीटा, ठीक है? ये और ये कट जाएगा, तो 13 माइनस 4 कॉस की पावर में 6 थीटा, ये आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। आई वॉज ऑलवेज राइट, है ना, मैं बीच वाली स्टेप से पहचान चुका था कि यही आंसर है, ये वाली स्टेप में ही अपन जान गए थे, ये वाली स्टेप में, ठीक है? तो अपने पास समय कम हो तो आप एकदम लॉजिक है, दिस इज नॉट तुक्का, दिस इज प्योर लॉजिक। आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आठवां तो मैंने क्लास में कराया था, नाइन्थ और 18th और 29th, क्वेश्चन नंबर नाइन्थ देखते हैं अपन। ओ माय गॉड, ये क्वेश्चन किसने पूछ लिया,
इसमें डाउट नहीं होना चाहिए वैसे, दिस इज आई थिंक इजी, ऐसा मुझे लग रहा है देख के, जस्ट बाय अपीयरेंस इट लुक्स वेरी इजी, वेरी इजी, बट चलो मैं कर देता हूँ. नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स अल्फा एंड बीटा, वेयर अल्फा बीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई टू पाई. यार माइनस पाई टू पाई इंटरवल समझते हो, मतलब अगर अपने को माइनस पाई टू पाई समझना है तो माइनस पाई उल्टा जाते हैं अपन, तो आता है अपने पास माइनस पाई, और प्लस पाई के लिए हम सीधा जाते हैं तब जाके अपने पास प्लस पाई आता है. ये वाली लाइन जो है ये वाली, ये माइनस पाई और प्लस पाई दोनों को एक साथ रिप्रेजेंट करती है. मतलब कहने का ये है कि अगर आपके पास कोई थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल आता है, थर्ड क्वाड्रेंट का, तो उसको आप उल्टा मेजर करें, उसको अपन उल्टा मेजर करेंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट को भी उल्टा मेजर करेंगे. उल्टा मतलब नेगेटिव करके, जैसे अगर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये 60 डिग्री, तो इसको उल्टा मेजर करें आप, माइनस 60 बोले, रादर देन इसको 300 डिग्री प्लस का बोलने से आप इसको माइनस 60 बोलना ज्यादा प्रेफर करेंगे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. ध्यान रखना है ना, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ अल्फा कॉमा बीटा, वेयर अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू दिस सेटिस्फाइंग दिस दिस दिस, 1/e दिया हुआ है. अच्छा चलिए, तो क्या लिखा हुआ है, कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा दिस इज इक्वल टू 1, और कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा दिस इज इक्वल टू 1/e. देखो ये 1/e तो बड़ा खतरनाक नंबर है ना, खूबसूरत तो है नहीं कहीं से कहीं तक, कुछ सोचना पड़ेगा अपने को. e का वैल्यू याद है क्या होता है, e का वैल्यू होता है 2.718. ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, डॉट 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 और भी होता है ना, इरेशनल नंबर है, e इज एन इरेशनल नंबर. ठीक है, अच्छा ये e जो है ना, जब यहाँ पे आप 2 रखोगे 1/2 कितना आएगा, लगभग 1.5 आ जाएगा, 0.5, और जब आप 2.718 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 0.5 से भी छोटा. तो दिस नंबर इज समवॉट 0.4 के आसपास होगा, है ना. इतना मैं आपको ऐसे ही रफली बता सकता हूँ. कॉस का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, जो कि है 0.4 के आसपास वैल्यू है. अब अपन चारों क्वाड्रेंट में एक बार तलाशी करते हैं. एक बात बताओ मुझे कि कॉस का वैल्यू अगर 0.4 फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता, कौन कौन से क्वाड्रेंट में हो सकता है बताइए, 0.4 उसका वैल्यू प्लस का कौन कौन से क्वाड्रेंट में हो सकता है. 0.3 भी हो सकता है, बट मेरा उससे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि 0.3 होगा या 0.4 होगा. अरे 0.4 जो होगा वैल्यू कौन कौन से क्वाड्रेंट में होगा, एक्चुअली वो 0.3 होना चाहिए या 0.35, 36, 37 के आसपास. ठीक है चलो 0.3 लिख लो इसको. 0.3 का वैल्यू इसका कहाँ कहाँ हो सकता है. अबे प्लस वैल्यू जो कॉस का है ना, वो दो क्वाड्रेंट में होता है, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक सेकंड क्वाड्रेंट, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट. ठीक है, तो मान लो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक ऐसा एंगल है अपने पास अल्फा प्लस बीटा, जहां पर ये वैल्यू अटेन हो रहा है ना, तो वही अल्फा प्लस बीटा जो एंगल होगा, वही एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में भी होने वाला है, तो उसको अपन माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बोलेंगे. ठीक है, अच्छा ठीक है, शांति रखे बिल्कुल. मैं इस पे ना वापस आऊंगा, आई कम बैक. यहाँ पर देखिए, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, इसका सॉल्यूशन कोई भी मुझे बताए, कोई भी. 1 कब होता है कॉस का वैल्यू, किस थीटा पर 1 होता है, कॉस का वैल्यू 1 कब होता है, 0 डिग्री पर और 180 डिग्री पर. नहीं नहीं कॉस 180 कितना होता है, -1 होता है. अरे आप लोगों की नींद वींद खुल गई है ना अच्छे से, इतना सिंपल सा जवाब नहीं दे पा रहे हो, क्या कर रहे हो, स्कूल के एग्जाम में आते भाई ये सब क्वेश्चन, कहाँ ध्यान है आप लोगों का, एक नंबर का क्वेश्चन है IIT के पेपर में, एक नंबर का क्वेश्चन है, 2 कौड़ी का होता है, ओरल क्वेश्चन होते हैं सारे. कल से मैं वीडियो ऑन करके आपकी क्लास लूंगा, मैं सच बता रहा हूँ, रेडी रहना, कल मॉर्निंग आपका वीडियो ऑन करके होगा हर किसी का. ठीक है, तो नहा धो के अच्छे से बैठना मेरे सामने. देखो इधर, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा अगर 1 के बराबर है, तो इसका मतलब जो अल्फा माइनस बीटा होगा वो 0 डिग्री होगा, क्योंकि इस इंटरवल में ना बस 0 डिग्री ही आपको मिलेगा. पाई मत बोल देना, पाई पहली बात तो इंक्लूडेड नहीं है, और दूसरी बात कॉस ऑफ पाई -1 होता है. चलो भाई, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अल्फा और बीटा बराबर होंगे, अल्फा और बीटा बराबर होंगे, मतलब यहाँ पे 2 अल्फा लिखा हुआ है या 2 बीटा लिखा हुआ है. तो 2 अल्फा ले लो, 2 बीटा ले लो, क्या दिक्कत है. अब बताइए ऐसा एंगल मेरे को मिलना चाहिए, ये 2 अल्फा ही है और ये -2 अल्फा है, तो इस इंटरवल में -π टू π में आपको
कितने अल्फा बीटा मिल जाएंगे ऐसे जो कि इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे। इसको सेटिस्फाई करने के लिए हमें अल्फा बीटा ऐसे चाहिए जो इक्वल है, कोई भी ऐसे दो एंगल जो कि इक्वल है, कोई भी ऐसे दो एंगल जो इक्वल है और इस इंटरवल में फॉल करते हैं। तो मान लो 30 डिग्री 30 डिग्री ले लिया मैंने, क्या दिक्कत है, अल्फा 30 बीटा 30 बिल्कुल चलेगा, 40 40 ले लिया बिल्कुल चलेगा, 30 प्लस 30 नहीं 30 एंड 30 30 एंड 30। ठीक है, बोलो, दोनों को 40 40 ले लिया तो भी चलेगा, दोनों को 50 50 ले लिया तो भी चलेगा, मतलब आप तो कोई भी एंगल ले सकते हो भाई जो बराबर हो, अल्फा अल्फा कोई भी एंगल ले लो ऐसे जो बराबर हो, क्या दिक्कत है। तो यहां से तुम्हें कोई इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ अल्फा पॉसिबल लग रही है जो कि इस रेंज में आ जाए। चलो हमें ना इधर नहीं देखते, अब इधर से आपको आंसर नहीं मिलने वाला, यहां से अपने को आंसर नहीं मिलेगा, हम यहां से आंसर देखेंगे। तो यहां से आंसर नहीं मिलेगा, यहां पे आ जाओ, टू अल्फा की बात करते हैं। अच्छा बताइए, कॉज ऑफ टू अल्फा जो है वो 0.36 हो रहा है, वन से छोटा है, तो 0.36 कितने वैल्यूज पर हो सकता है माइनस पाई टू पाई। क्या आपको कॉस का ग्राफ याद है, कॉस का ग्राफ याद है आप लोगों को, क्या होता है कॉस का ग्राफ? चलो मैं किसी भी बच्चे से पॉइंट पूछ लूंगा, बताना है ना? आपका आज भी स्कूल का एग्जाम है क्या? दिस इज द ग्राफ ऑफ, हाँ बोलो, हाँ दिस इज द ग्राफ ऑफ कोसाइन, कल एग्जाम लाइक बायोलॉजी, ठीक है, ये कोसाइन का ग्राफ है। बताइए मुझे ये पॉइंट क्या हुआ, एनीवन, व्हाट इज दिस पॉइंट? पाई बाय टू होगा, जहां पर कॉस जीरो होता है वो 90 डिग्री के मल्टीपल होते हैं, ये वाला भी 90 का मल्टीपल होगा, मतलब नेक्स्ट मल्टीपल, नेक्स्ट ऑड मल्टीपल है ना, ये वाला नेक्स्ट ऑड मल्टीपल होगा 5 पाई बाय 2। यहाँ पे पाई बाय टू के बाद 2 पाई बाय 2 मत लिख देना गधों की तरह, 2 पाई बाय 2 मतलब पाई हो जाएगा ना, ऑड मल्टीपल लिखते हैं अपन 5 पाई बाय 2। हाँ जी, यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस पाई बाय टू। मैं आपको है ना थोड़ा आसान तरीके से बता देता हूँ, ये माइनस 3 पाई बाय 2। अच्छा कोई मुझे ये बताना चाहेगा कि ये वाला एंगल क्या होगा, एनीवन फटाक से जल्दी से बताइए, पाई होगा। अगर आपको ये एंगल सोचने में टाइम लग रहा है या दिक्कत जा रही है, इसका मतलब आप मेहनत नहीं कर रहे हो, मैं सच बता रहा हूँ आपको। मैंने बोला था ये ग्राफ्स जो है ना सारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ बनाते रहा करो रफ में भाई, आपकी कॉपी के लास्ट पेज में जब भी फ्री हो तो तुरंत बनाओ उसको, सारे पॉइंट्स खुद से लिखो। आपको क्या लग रहा है, मुझे एक बार में याद हो गया था सारा, बहुत टाइम लग गया था, हफ्ते वीक्स लग गए थे ये सब याद करने में। भाई याद करना इतना मुश्किल नहीं है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ आपको कि बहुत आसान है, लेकिन ना समय लगता है अपने को, सबको समय लगता है, छः छः पूरे जितने भी ग्राफ्स है सबके पॉइंट्स। अब देखो ये माइनस पाई टू पाई के बीच में आपको आंसर चाहिए, माइनस पाई से पाई के बीच में आंसर चाहिए हमें। अब ध्यान से देखना है ना, कॉस ऑफ टू अल्फा 0.36 हो रहा है, कॉस ऑफ टू अल्फा का वैल्यू, अल्फा जो है वो माइनस पाई से पाई के बीच में होना चाहिए, नहीं आया समझ में, अल्फा बिलोंग्स टू माइनस पाई टू पाई, माइनस पाई से पाई के बीच में होना चाहिए। तो अल्फा अगर यहां से यहां बिलोंग कर रहा है तो टू अल्फा कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, माइनस टू पाई से प्लस टू पाई, टू से मल्टीप्लाई कर दिया, आई थिंक यहां तक भी आसान है। तो आपको एक ऐसा एंगल ढूंढना है टू अल्फा जिसका आंसर 0.36 हो जाए, ये किसका 1/e का वैल्यू है, आप 0.4 भी सोचते ना तो भी यू कुड हैव इजीली कैलकुलेटेड, कोई दिक्कत नहीं होती। तो आपको माइनस टू पाई से प्लस टू पाई सोचना है, यहां से देखो, ध्यान से देखना है ना, ये वाला पॉइंट जो है ना दिस इज माइनस टू पाई, दिस इज माइनस टू पाई, और ये वाला पॉइंट जो होगा वो प्लस टू पाई होगा। इसमें किसी को शक है तो मुझे बताइए, मतलब आपको यहां से यहां तक के बीच में ही देखना है वैसा वैल्यू जो 0.3 हो। बताइए ये वैल्यू क्या होता है, व्हाट इज दिस वैल्यू, 1? अरे ये वाला आंसर 1 होता है कॉस का, ठीक है, ये वाला आंसर 1 होता है। तो 0.36 कहां पर होगा,
0.36 होगा यहां पर, कहीं यहां कहीं होगा 0.36 या 0.4 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला आंसर आपको कहां कहां मिल सकता है, 0.36 आपको यहां मिल जाएगा, एक एक यहां पर मिल जाएगा, इसी के लेवल में हर जगह मिलता रहेगा। तो इसका लेवल मैं ड्रॉ कर देता हूं, देखो इधर लेवल ड्रॉ किया तो कितने पॉइंट पर मिल रहा है मुझे, एक दो, काउंट करो मेरे साथ, ये एक और जगह पर मिल जाएगा तीन, और एक और जगह पर मिल जाएगा चार। तो ऐसे चार टू अल्फा, ऐसे चार टू अल्फा एग्जिस्ट करते हैं जहां पर आपको आंसर 0.36 मिल जाएगा। देखो एक अल्फा तो ये वाला हो गया, और इसके करस्पॉन्डिंग एक अल्फा ये वाला हो गया, इसके करस्पॉन्डिंग एक अल्फा ये वाला हो गया, और इसके करस्पॉन्डिंग एक टू अल्फा, सारे टू अल्फा है ना, सॉरी सारे टू अल्फा ये हो गए। तो वी विल बी हैविंग ऐसे चार एंगल जहां पर आपको वैल्यू क्या मिल जाएगा, 0.36 मिल जाएगा। ग्राफ से सोचोगे तो आपको 2 सेकंड लगेगा, 2 सेकंड मैंने आपको समझाया है धीरे धीरे, इस कारण टाइम लगाया, अदरवाइज अपन इसको ऐसे स्टूडेंट सॉल्व करेंगे तो ये 2 सेकंड का क्वेश्चन है। क्वाड्रेंट से सोचोगे तो थोड़ा फंस जाओगे, टाइम ज्यादा लगेगा। आई होप इट इज क्लियर। तो ऐसे चार सॉल्यूशन मिल जाएंगे अपने को, चार वैल्यूज ऑफ अल्फा मिल जाएगी, ठीक है। तो इट्स अ गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये हो जाना चाहिए था अपने से। 18 और 29। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। This is a good question. ये एडवांस का क्वेश्चन है, दिस इज जेई एडवांस, ठीक है। देखेंगे, फंक्शन दिया अपने को -1 to 1 से लेकर आर, ये चीज अपने को समझ में नहीं आने वाली क्योंकि फंक्शन चैप्टर अपन ने पढ़ा नहीं है। कोई बात नहीं, इसके बिना अपना क्वेश्चन हो जाएगा। बी सच दैट एफ ऑफ 4 cos theta is equal to this. अब ये थोड़ा उटपटांग तरीके से इन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है। For theta belonging to this interval, then the values of f of 1 by 3. कोई बात नहीं, बड़ा आसान क्वेश्चन है। F of cos of 4 theta is equal to 2 upon 2 minus sec square theta. ठीक है? Is it okay? समझ में आ रहा है यहां तक? अब सुनो मेरे को क्या करना है। मैंने आपको इजी क्यों बोला, मैं आपको क्वेश्चन के एंड में बताऊंगा ना कि क्यों मैंने आसान बोला है। यहां पर क्या लिखा है 1/3, और यहां पर क्या लिखा है cos 4 थीटा, तो मेरे को f ऑफ 1/3 चाहिए। तो आप ये सोचो ना कि ये जो अंदर वाला आइटम है cos ऑफ 4 थीटा, अगर ये इसको मैंने 1/3 बना दिया, इसको मैंने अगर 1/3 बना दिया तो मेरा काम हो जाएगा। बस आपको ये पता करना है कि चेक वेयर cos 4 थीटा विल बी इक्वल टू 1/3। cos 4 थीटा 1/3 कब होगा आपको ये बता देना है बस, ठीक है। जैसे ही cos 4 थीटा 1/3 होगा तो आपको पता चल जाएगा किस थीटा पर ऐसा होने वाला है, किस थीटा पर ऐसा होने वाला है, वो थीटा अपन यहां पे रखेंगे, यहां पे रखेंगे, खटाक से आंसर आ जाएगा एक बार में। मेरे को जहां तक याद आ रहा है मोर देन वन करेक्ट का था, है ना, ठीक है, हाँ बिल्कुल मोर देन वन करेक्ट का है। मेरे को क्यों याद आ रहा है वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। कॉस 4 थीटा 1/3 कब होगा कोई मुझे बता सकता है, कौन से थीटा पर होगा? नहीं बता सकते अपन क्योंकि हमें नहीं पता यार कौन से थीटा पर होगा, वी डोंट नो, वी हैव टू कैलकुलेट। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो इसको खोल दो आप, कॉस 4 थीटा को डबल एंगल से खोल देंगे, 2 cos square 2 theta -1, दिस इज इक्वल टू 1/3, 2 cos square 2 theta, 1 + 1/3 कितना हो जाएगा 4/3, चेक कर लेना। तो ये 2 से 2 काट दोगे तो 2/3 आ जाएगा, cos ऑफ 2 थीटा आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2/3, ठीक है, शांति रखे बिल्कुल। cos 2 थीटा को cos square के फॉर्म में लिख रहा हूं, cos square के फॉर्म में लिख रहा हूं मैं,
क्या आ जाएगा, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, इसका वैल्यू आ जाएगा आपके सामने अंडर रूट ऑफ टू बाई थ्री। ठीक है, यहां देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, एफ ऑफ कॉस फोर थीटा टू अपॉन, ये सेक स्क्वायर थीटा को लिख दिया मैंने वन बाय कॉस स्क्वायर थीटा, तो आपको क्या मिल जाएगा डिनोमिनेटर में, ऊपर मिल जाएगा टू कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे मिल जाएगा टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। अरे नीचे कॉस स्क्वायर आएगा, वो ऊपर उचका के भेजा भेज दिया मैंने पहले, ये आपका फंक्शन है कॉस फोर थीटा। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनोगे तो आपको मजा आ जाएगा। नीचे क्या लिखा है, कॉस टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, इसको आप कॉस टू थीटा बोल सकते हैं, कॉस टू थीटा बोल सकते हैं, और ऊपर क्या लिखा है, कॉस टू कॉस स्क्वायर थीटा। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, जबरदस्ती माइनस वन प्लस वन कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा मैंने कोई स्टूडेंट समझा सकता है? ताकि ये कॉस टू थीटा बन जाए प्लस वन, और ऊपर कॉस टू थीटा, नीचे कॉस टू थीटा, और यहाँ पे लिखा है कॉस फोर थीटा। ठीक है, हाँ भाई अब सुनिएगा, एक्चुअली इसको हटा दो, कोई जरूरत नहीं, छोड़ दो, इससे ही काम हो जाएगा। अब मेरी बात सुनो, कॉस फोर थीटा मतलब ये अंदर वाला आइटम, इसको वन बाई थ्री अगर करना है, इसको अगर वन बाई थ्री करना है तो उसके लिए मैंने सॉल्व किया, उसके लिए सॉल्व किया तो पता चला कि ये आंसर आया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कॉस फोर थीटा को वन बाई थ्री अगर करना है तो कॉस टू थीटा को टू रूट टू बाई थ्री होना पड़ेगा। फिर से सुनो, कॉस फोर थीटा को अगर वन बाई थ्री करना है तो कॉस कॉस टू थीटा को अंडर रूट टू बाई थ्री लिखना पड़ेगा, मतलब कॉस टू थीटा को अगर मैंने अंडर रूट टू बाई थ्री लिखा, प्लस माइनस लिखेगा, कौन लिखेगा यहाँ प्लस माइनस, हाँ दो साइन आएंगे प्लस माइनस, अगर मैंने इसको प्लस माइनस अंडर रूट टू बाई थ्री लिखा तो ये कॉस ऑफ फोर थीटा अपने आप वन बाई थ्री हो जाएगा, ये इसका मतलब है ना। मैं फिर से बता देता हूँ, हमने कॉस फोर थीटा को वन बाय थ्री करने के लिए सॉल्व करा तो पता चला कि अच्छा आपको अगर कॉस फोर थीटा को वन बाय थ्री लिखना है तो आप कॉस टू थीटा को प्लस माइनस अंडर रूट टू बाय थ्री लिख दो। ठीक है, बस दिस इज योर आंसर, खत्म खत्म है, भरोसा ही नहीं करते हो तुम लोग, गजब कर रहे हो, करो चलो देखो ऊपर क्या लिखा है, वन प्लस माइनस अंडर रूट टू अपॉन अंडर रूट थ्री। ठीक है यार, मैं ना ऑप्शन चेक करूंगा, एक मिनट, कैन आई सिंप्लीफाइड, कैन आई सिंप्लीफाइड, यस आई कैन। अरे देखो ना, कॉस टू थीटा अपॉन कॉस टू थीटा वन आ जाएगा, मेहनत बच गई ना, और वन अपॉन कॉस टू थीटा क्या आ जाएगा, वन अपॉन कॉस टू थीटा, बस खत्म, मेहनत बच गई, ये सब कौन करेगा, पागल है क्या अपन, डायरेक्टली आंसर तो हम लोग क्या लिख देंगे, वन प्लस वन अपॉन कॉस टू थीटा का वैल्यू क्या है, प्लस माइनस अंडर रूट टू बाय थ्री, ये आपका आंसर है। तो वन प्लस माइनस उल्टा कर देंगे इसको, बस अंडर रूट थ्री बाय अंडर रूट टू, दिस इज द आंसर। तो वन प्लस रूट थ्री बाय टू, वन माइनस रूट थ्री बाय टू, ये आपका आंसर आएगा, मोर देन वन करेक्ट। ठीक है, इट्स अ गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है।